यदि आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपकी कंफर्म है कि पीएफ कटती होगी, और हर आदमी को अपना पीएफ हमेशा चेक करते रहना है ताकि उन्हें भी पता चले कि आपकी हर महीने कितनी पीएफ सेव हो रही है और टोटल आपका पीएफ अमाउंट कितना है। यदि आप पीएफ चेक नहीं करते हो, कई बार ऐसा होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर उनका पीएफ जमा नहीं करते हैं और उनको सिर्फ बता देते कि आपका पीएफ जमा हो गया है, तो उस समय आपका ही लॉस होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आसान तरीक़ों से, बिना पासवर्ड के, बिना कुछ, बहुत ही इजी तरीके से आप अपना पीएफ कैसे चेक कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक, मेरा नाम विनीत कुमार है, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपना पेमेंट स्लिप, पे स्लिप पास में रखना है और उसमें UAN नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाएं और क्रोमा ब्राउज़र को ओपन करें और सर्च बार में टाइप करें EPFO और उसे ओपन करें। और ओपन होने के बाद जो पहली साइट आती है, ये ऑफिशियल साइट है पीएफ की, उसे ओपन करें। ओपन होने के बाद इस साइट, ये जो साइट है ये पीएफ का ऑफिशियल साइट है, गवर्नमेंट साइट है। और इसके कॉर्नर में जाए और कॉर्नर में एक ऑप्शन है ई पासबुक का, इसको ओपन करें। थोड़ा टाइम लगेगा और ये धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ओपन हो जाएगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट साइट है, इसे थोड़ा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत सारे लोग अपना पीएफ निकालते हैं और चेक करते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। और जैसे ये ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अपना UAN नंबर फिल करना है और आपने यदि पासवर्ड बनाया है तो अपना पासवर्ड यहाँ पे डालें। यदि आपने नहीं बनाया तो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अपना आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पीएफ अकाउंट नंबर, अपना पासवर्ड फिलअप करूँगा, उसके बाद इसे लॉगिन करूँगा। और ये यहाँ पे मेरा पीएफ अकाउंट ओपन होता है, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पे मेरे दो आईडी है और क्योंकि मेरे यहाँ पे दो कंपनी में पीएफ कटा है, ये दूसरे में कट रहा है, तो किसी एक को ओपन करूँगा। और यहाँ से आप अपना पासबुक चेक कर सकते हो, यहाँ पे इस ऑप्शन में व्यू पासबुक, तो आपका अब तक का जितना जमा हुआ पीएफ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और आप हमेशा इसे रेगुलर चेक करते रहे ताकि आपको हमेशा ये ध्यान रहे कि हर महीने आपके अकाउंट में कितना पीएफ जमा हो रहा है और कितना पीएफ आपका जमा हो चुका है। बस इसके बाद यदि आप चेक कर लेते हो तो अपना ये आईडी को लॉग आउट करें और बाहर आ जाएँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सॉरी, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक हमें इजाज़त दें।